आज मैं चल रही हूँ मिठाई बनाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये मिठाई बनाई जाएगी। कुछ ही चीज़ों में, घर की रखी हुई चीज़ों से बन सकती है ये मिठाई, तो बहुत ही परफेक्ट अच्छी लगेगी देखने और खाने में भी बहुत ही परफेक्ट लगेगी, कम दामों में बन जाएगी। तो ये ब्रेड मैंने ले ली है, तो इसके चार टुकड़े कर लूँगी। और आप लोगों के पास जो सी भी ब्रेड घर में आती हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो हमारे पास तो ये वाइट वाली इस वक्त थी, तो मैं वाइट वाली ही ब्रेड यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने कॉर्नर काटे नहीं है, बिना कॉर्नर काटे भी बन सकती है ये मिठाई, तो बगैर कॉर्नर काटे ही मैं बना रही हूँ। तो ये चार चार टुकड़े कर लेती हूँ एक ब्रेड के। तो ये चार टुकड़े हो चुके, मैं चल रही हूँ चाशनी के लिए। पहले अब जो है तुरंत मैंने शुरू में मुझको चाशनी बनानी है। तो ये चाशनी के लिए जितना आप बनाना हो उस हिसाब से आप चीनी लें, और उससे जो जितनी चीनी लें उतना ही पानी डालें। जैसे एक कटोरी मैंने चीनी डाली है, तो एक कटोरी ही पानी डालूँगी। तो ये हमारी परफेक्ट चीनी तैयार, वो चाशनी तैयार हो जाएगी। और ये मैंने थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया है, तो साइड में कर दिया, हमारी चीनी ज़्यादा मुझे बनानी नहीं है। तो अब ये मैंने तेल रख दिया है, रिफाइंड तेल मतलब नहीं यूज करना है, रिफाइंड या घी यूज करना है। तो ये चल रही हूँ इसमें फ्राई करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारा गोल्डन होता जाएगा वैसे ही तुरंत मैं दूसरी साइड को पलट दूँगी। तो एक साइड हमारा गोल्डन हो चुका है, मैं चल रही हूँ दूसरी साइड गोल्डन पलटने के लिए। गोल्डन हो चुका है, तो ये एक एक करके सारा पलट दूंगी। देखना कितना परफेक्ट ये कलर आ चुका है ब्रेड में। तो मैं छन्ने में निकाल लेती हूँ, तो ये जितना ऑयल होगा फालतू का तो वो भी छन्ने से छन जाएगा। तो इसी प्रकार से मुझको और भी बनाने हैं। तो ये चल रही हूँ, ये सब छन चुका है, मैं तो फौरन तुरंत के तुरंत चाशनी में मुझको रखना है। और चाशनी मुझको बगैर तार की ही रखनी है, कोई तार की नहीं होनी चाहिए, बस चिपचिपी होनी चाहिए। तो हमारी ये थोड़ी गरम चाशनी है, गरम का चाशनी में ही डालना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा डिप करके फौरन निकाल लेना है इसको, है तुरंत ही, और इसको निकाल के अलग रख लेना है डिप करके, सारी डिबो देना है ना, फिर इसी को फौरन हटा लेना एक एक करके तुरंत। ज़्यादा अगर इसमें रहेगी डिप करी हुई तो ये समझ लो बेकार हो जाएगी मिठाई का, मतलब वो जायका नहीं बचेगा, बिल्कुल हलवा हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि ये नरम चाशनी है ना, हार्ड चाशनी नहीं है। तो नरम चाशनी में मुझको डिप करना होता है एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए लगभग, ज़्यादा नहीं। अब मैं चल रही हूँ इसको दूध डालने के लिए। तो ये जो मुझे खोया बनाना, अंदर मिठाई के अंदर जो मैंने खोया भरा है, तो मावा यानी, तो ये दूध मैंने अपने ज़रूरत अनुसार ले लिया है लगभग एक गिलास, और इसको मावा बनाने के लिए ये चल रही हूँ। तो इसमें अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है या मिल्क पाउडर है या कोकोनट देसी है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास कोकोनट था तो मैंने कोकोनट डाल दिया, और थोड़ी सी ये स्वाद के लिए थोड़ी सी बिल्कुल चीनी डाली है, लगभग दो चम्मच लगभग। ये देखिए हमारा मावा परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए गैस से हटा लेती हूँ, और ये दूसरे बाउल में पलट लूँगी। और अब मैं चल रही हूँ अपनी मिठाई को परफेक्ट लुक देने के लिए। तो ये हमारा अंदर एक साइड को मैं भरूँगी जो मैंने मावा बनाया था, तो ये मावा में पूरा भर लिया है। और ये देखिए मैं एक ऊपर से ऊपर रख दूँगी, और ये देखिए कितना अच्छा लुक दिखने लगा है। तो जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ही स्वाद लगेगा खाने में। तो एक साइड से मैं भरूँगी, दूसरा यूं ही चिपका दूँगी। तो ये समझ लो पूरी एक परफेक्ट बर्फी तैयार हो जाएगी। बर्फी का चकोर आकार लिया है मैंने ये मिठाई बनाने का। तो ये कितने देखने में लुकिंग लग रही है, और आप मेहमान आने पे फटाफट बनाएं इस प्रकार से मिठाई, मेहमान के आगे पेश करें, बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। अच्छा, दूसरा लुक ये है कि मैंने ये कोकोनट लिया है बारीक पिसा हुआ यानी, तो ये केवल जो डिप करा हुआ चाशनी मैं यूं ही कोकोनट चारों तरफ चिपका करके दोनों साइड से मैं रख दूंगी। तो ये सिंगल हमारी ये परफेक्ट बन गई, और ये मिठाई, और ये हमारी डबल मावा वाली हो गई। तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं ऐसी मिठाई, और कम पैसों में बनाई जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए
कम पैसे वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार